नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज देखा जाए तो मैं हूँ अपने गांव में, अपने घर पे, और ये सुबह सुबह का जो है टाइमिंग है। अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी धूप आ रही है और साथ ही साथ देखा जाए तो जो है, अगर आप गांव में हैं और आप अपने घर पे हैं और आपके आसपास ग्रामीण परिवेश है, तो आप बहुत लकी हैं कि आपको वो सारी चीज़ें मिल पा रही हैं। प्रकृति के गोद में आपको रहने का मौका मिल रहा है, अन्यथा शहरों में क्या है, आप हमेशा पक्के मकानों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, चारों तरफ बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें रहती हैं, वहाँ शुद्ध वातावरण भी नहीं मिलता, शुद्ध वायु भी नहीं मिलती, और आपको ज़मीन पर यानी मिट्टी पर टहलने का मौका भी नहीं मिलता। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए धूप है, धूप के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ जो है बहुत अच्छी धूप भी है, घास भी है जिसपे सीत पड़ा हुआ है, और वो देखा जाए तो जो है इस सीत पे जब आप पैदल यानी कि जो है नंगे पांव जब आप टहलते हैं ना, तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। ये आँखों के लिए भी फ़ायदा करता है और आपकी पूरी बॉडी के लिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम लागू होता है उससे फ़ायदा करता है। तो ये आपके जो है जो त्वचा है यानी कि जो पैरों की त्वचा है उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ इम्प्रूवमेंट होता है, अगर आप इस पर सुबह सुबह नंगे पैर जो है आप घासों पे टहलते हैं, धूप पे टहलते हैं जिसपे सीत पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं वो अच्छी तरीके से जो है चमकीला मोतियों जैसा झलक भी रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ देखा जाए तो क्या है, ये मेरा अपना घर है, और सबसे बड़ी बात है घर पे जो है बहुत ही अच्छा और औषधीय जो पौधा लगभग हर घरों में पाया जाता है वो हमारे यहाँ भी है और स्वतः उगाया है। आइए आपको दिखाते हैं, ये जो है इसको क्या है, इसको अगर संजीवनी कहें तो कम नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, ये पौधा देखा जाए तो ये जो है इसका नाम है तुलसी। तुलसी वैसे जो है कई प्रकार की तुलसी पाई जाती है, लेकिन ये देखा जाए तो क्या है, ये जो है राम तुलसी इसको कहते हैं, ये राम तुलसी है। और इस तरीके से श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, कई प्रकार की तुलसियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ सामान्यतया जो है वो राम तुलसी उपलब्ध रहती है। ये देखिए अपने आप स्वतः आ चुका है, स्वतः जो है उगाया है। यहाँ भी आप देखेंगे ये सब जो है अपने आप उगाया है, इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। और गाँव में हर घर में जो है तुलसी की इस तरीके से पूजा भी होती है। जैसे ये देखिए हमारी माता जी जो है इसमें जल चढ़ाती हैं, और जल चढ़ाने के साथ साथ देखा जाए तो ये इसका जो है मतलब इस पौधे का हर भाग जो है स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये देखिए इसकी मंजरी है, इसमें बीज होता है, और ये बीज जो है आपके स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत फायदेमंद है। ये मंजरी है, और इसका मंजरी का भी उपयोग होता है, इसकी पत्तियों का भी उपयोग होता है, इसके तनों का भी उपयोग होता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो क्या है इसकी जड़ों का भी उपयोग होता है, यानी कि इसके जो है तने का भी माला पहन। तो दोस्तों ये देखा जाए तो क्या है, ये इसका मैं उपयोग आपको बता रहा था कि जो है इसकी पत्तियों का बहुत अच्छी तरीके से आप सामान्यतया उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं तो भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, यानी कि जो है एंटी एजिंग क्वालिटी आपकी जो है इम्प्रूव होगी। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसकी जो पत्तियाँ जो हैं वो रेडियोधर्मी प्रदूषण से भी जो है आपको बचाते हैं। तो इसका उपयोग आप सामान्यतया कैसे कर सकते हैं, इसकी आप ऐसे 5 पत्तियाँ ले सकते हैं, इस तरीके से आप 5 पत्तियां ले लीजिए, और 5 पत्तियों को अच्छी तरीके से जो है इस तरीके से 5 से 6 पत्तियां आप ले लीजिए, और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करिए, और एक एक दो दो पत्तियां जितना आप सामान्यतया निगल सकते हैं, यानी इसको थोड़ा सा फोल्ड करिए अच्छी तरीके से, उसके बाद जो है पानी के साथ इसको निगल लीजिए। और ऐसा अगर आप करते हैं, डेली 5 पत्तियों को निगलते हैं, तो ये आप समझ लीजिए जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आपको बार बार जो है बीमारियाँ नहीं आएंगी। तो दोस्तों ये रहा जो है आपके घर में एक बहुत बड़ा औषधीय पौधा, तो इसका उपयोग आप करिए। और साथ ही साथ देखा जाए तो क्या है, अब आज मैं जो है घर पे हूँ, तो आज जो है मैं करूँगा जो है ब्रश नहीं, आज मैं करूँगा दतून। ये नीम का दतून है, बहुत अच्छा। और नीम की अगर दतून के बारे में बात करें तो आप जो है इसके फ़ायदे से अनजान नहीं होंगे। आज देखा जाए तो अमेरिका के शॉपिंग मॉल में ये बिक रहा है, और एक बार जो है अमेरिका ने इस पे पेटेंट भी कराया था, लेकिन भारतीयों ने उस पे जो है कंप्लेन किया, उसके बाद उसका पेटेंट हटा, यानी नीम पर भी पेटेंट करा लिया था अमेरिका ने। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ घरों में जो है बहुत सारे प्राकृतिक
चीज़ें उपलब्ध हैं जिनका मूल्य बहुत है, लेकिन अब हम अगर उसके मूल्य को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो हमें लगता है कि जो है हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास बहुत कुछ है। अगर आप गांव में हैं तो आपके पास बहुत कुछ है, बस उसको पहचानने जानने की आवश्यकता है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।